Hello student, today we see the data handling instructions. Okay, so see, commonly used data handling instruction is a move instruction, which is data movement instruction. Okay, जो भी data handling instruction है उसमें commonly जो है हम लोग use करते हैं move instruction है, जो कि हम लोग commonly use कर सकते हैं data movement के लिए. Okay, so see, first point, this is an output instruction which moves the data from source to destination location. Okay, ये output instruction है जो कि क्या कर सकता है, अपना data जो है move कर सकता है source to destination location को. Okay, as long as ruck condition remains true, this instruction moves the data on each scan. Means जब तक कि अपनी ruck condition जो है वो रिमेन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, तब तक ये जो इंस्ट्रक्शन है वो अपना काम करता है, जो कि मूव करेगा डेटा आवर डेस्टिनेशन को. ओके, ईच स्कैन में वो क्या करेगा, डेटा मूव करने का वो काम करेगा ये इंस्ट्रक्शन. ओके, सो दिस इज़ द फंक्शनल ब्लॉक ऑफ मूव इंस्ट्रक्शन. इन दिस, दिस इज the move instruction, source and destination. Okay, this is the input we have to given, or we have to already given 0 or 1 in the form of 0 or 1. Okay, so this is the functional block of move instruction. Then see, when ruck condition becomes false to true, the data from source location to डेस्टिनेशन. मीन्स जब भी अपनी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स टू ट्रू में जाएगी, तभी अपना जो जो डेटा रहेगा वो सोर्स लोकेशन टू डेस्टिनेशन में मूव होगा. ओके, देन हियर सोर्स इज द एड्रेस ऑफ डेटा द यूजर वॉन्ट्स टू मूव, एंड डेस्टिनेशन इज द एड्रेस वेयर द इंस्ट्रक्शन मूव्स द डेटा. मीन्स सोर्स इस यहाँ पे क्या रहेगा, इट इज़ द एड्रेस ऑफ द डेटा ऑफ यूज़र. ओके, सोर्स जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, इट इज़ द एड्रेस ऑफ डेटा यूजर्स वॉन्ट्स टू मूव. मीन्स आप लोगों को सोर्स क्या रहेगा, एक एड्रेस रहेगा डेटा यूजर्स का, जो कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ता है. ओके, और डेस्टिनेशन क्या रहेगा, इट इज़ द एड्रेस वेयर द इंस्ट्रक्शन मूव्स द डेटा. ओके, डेस्टिनेशन क्या रहेगा, जहाँ पे अपना डेटा क्या होगा, मूव होगा, उसका वो एड्रेस वो इंडिकेट करेगा. ओके, देन सी द डेटा हैंडल्ड बाय दिस मूव इंस्ट्रक्शन मे बी फ्लॉट और इंटीजर. मीन्स ये जो मूव इंस्ट्रक्शन में डेटा रहेगा वो कौन से टाइप में रह सकता है, एक तो फ्लॉट टाइप में रह सकता है या फिर इंटीजर टाइप में रह सकता है, जो कि हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट, फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और द लोकेशन एफ एट फाइल्स नंबर इज यूज्ड. मीन्स अगर यहाँ पे जो हम लोग डेटा मूव करने वाले हैं वो अगर फ्लोटिंग मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट में रहा, तो लोकेशन हम कौन सा यूज़ करेंगे, दैट इज़ द एफ एट फाइल्स नंबर्स हम लोग यूज़ करेंगे. और अगर इंटीजर रहा, एंड फॉर द इंटीजर नंबर और द लोकेशन एन सेवन फाइल नंबर इज यूज्ड. मीन्स इंटीजर नंबर के लिए हम लोग एन सेवन फाइल यूज़ करेंगे, और फ्लोटिंग नंबर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए हम लोग एफ एट फाइल यूज़ करेंगे. ओके, देन सी द एग्जाम्पल ऑफ मूव इंस्ट्रक्शन. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मूव इंस्ट्रक्शन. We see the F8 is 00 and N7 is 00, source and destination. Okay, in above example, when the input is 0 or 1 becomes true, then the move functions get floating point number from the location F8 to 0, convert into the integer number and place to its destination integer memory location. Okay, means kya hoga, yaha pe jo hum log source use kar rahe hain,
वो किस में है, फ्लोटिंग इसमें है, और ये जब डेस्टिनेशन में सेव होगा तो वो किस इसमें सेव होगा, दैट इज़ इन इंटीजर मेमोरी लोकेशन और इंटीजर नंबर में. ओके, इन दिस वे वी सी द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन, दैट इज़ द मूव इंस्ट्रक्शन. सो थैंक यू.